नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में सरकारी नौकरी से जुड़ी विभिन्न भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को किस प्रकार से सब्सक्राइब करना है, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम के बारे में। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम कब तक जारी होगा, इसके संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है आज मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम 20 फरवरी 2020 को जारी होने वाला था, लेकिन विजिलेंस के साथ मीटिंग होने की वजह से परिणाम जारी नहीं हो पाया, जो जानकारी प्राप्त हुई है। अब यह परिणाम 10 मार्च 2020 तक जारी किया जाएगा, 10 मार्च 2020 तक। आप मानकर चलिए कि 11 मार्च नहीं होगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। दूसरी भर्ती है लोअर पीसीए 2019 की। लोअर पीसीए 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कब तक जारी होगा और मुख्य परीक्षा कब तक आयोजित की जा सकती है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि मार्च के अंतिम तक प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा और जून के द्वितीय पक्ष या जुलाई माह में मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आप सभी मार्च के अंतिम तक का इंतजार करें, पूर्ण उम्मीद है कि परिणाम इससे पहले ही आ जाएगा। तीसरी भर्ती है मंडी परिषद भर्ती। मंडी परिषद भर्ती परीक्षा परिणाम कब तक जारी होगा, देखिए इसके बारे में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कई अभ्यर्थियों ने हमसे सवाल किया था, इसी की वजह से इस वीडियो में मैं मंडी परिषद भर्ती परीक्षा परिणाम का जिक्र कर रहा हूं। पूर्ण उम्मीद है कि मार्च माह में जारी हो जाएगा। अगर मार्च में नहीं जारी होता है तो 101% अप्रैल माह में जारी हो जाएगा, अप्रैल से मई माह नहीं होगा। केंद्र सुपरवाइजर का परिणाम भी मार्च माह में जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ एक भर्ती है अनुदेशक भर्ती, जिसका विज्ञापन सपा शासन काल में जारी हुआ था, अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है, परिणाम मार्च माह में आने की उम्मीद है। तो आप सभी मार्च माह का इंतजार करें, मार्च माह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, कई परिणाम जारी होंगे। आगे कोई भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी।